उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुई यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के पेपर लीक मामले को लेकर अभ्यर्थी पेपर को फिर से कराने को लेकर धरना दे रहे हैं। इसके साथ ही यूपी पीएससी आरओ और एआरओ भर्ती को भी रद्द कराने को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं परीक्षाओं में पेपर लीक के मामलों में अब सियासत की भी एंट्री हो गई है। इसे लेकर खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यूपी पीएससी आरओ और एआरओ भर्ती को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है, इलाहाबाद लोक सेवा आयोग पर प्रतियोगी छात्रों का जो आंदोलन चल रहा है, हम उनके साथ हैं। दरअसल भाजपा किसी भी परीक्षा को पूरा नहीं करना चाहती है, क्योंकि उसके बाद नौकरी देनी होगी और नौकरी में आरक्षण देना होगा। भाजपा ना नौकरी देना चाहती है ना आरक्षण, यूथ कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पेपर लीक को लेकर एक्स पर लिखा, बस एक बार सोच कर देखिए, 50 लाख से अधिक युवाओं ने फॉर्म भरा, ये प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा थी। 400 रुपए का एक फॉर्म था, 48 लाख एडमिट कार्ड जारी हुए और परीक्षा के पहले पेपर लीक हो गया। क्या बीत रही होगी बच्चों पर, उनके परिवारों पर। ऐसा ही आरओ एग्जाम में हुआ, पेपर लीक हो गया। यूपी के एक एक गांव में ये चर्चा हो रही है, सरकार सो रही है। लड़के लड़कियां इलाहाबाद, मेरठ से लखनऊ तक चीख पुकार प्रदर्शन कर रहे हैं और री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। सरकार उन्हें अपमानित कर रही है, लाठियों से पिटवा रही है। कौन कराता है ये पेपर लीक, कैसे होता है ये पेपर लीक? चांद मंगल पर जाने वाला हमारा देश एक फुल प्रूफ परीक्षा नहीं करा सकता, जहां एक युवा की मेहनत चोरी ना हो, उसके भविष्य पर डाका ना पड़े। इतना ही नहीं, प्रियंका ने एक और पोस्ट कर अभ्यर्थियों के समर्थन में अपनी मांग भी रख दी। प्रियंका ने लिखा, कांग्रेस ने यूपी में भर्ती विधान पेश किया था, जिसमे पेपर लीक और भर्तियों में भ्रष्टाचार रोकने के प्रावधान रखे गए थे। पेपर लीक संकट को देखते हुए हमारी मांग है कि हाल में हुई दोनों पेपर लीक की घटनाओं की सीबीआई जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, एक परीक्षा कैलेंडर जारी हो जिसमें विज्ञापन, परीक्षा, नियुक्ति की तारीखें दर्ज हो और इसका उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई की जाए। भर्तियों के साथ आरक्षण में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सामाजिक न्याय पर्यवेक्षक नियुक्त हो। युवाओं का भरोसा बहाल करने के लिए सभी परीक्षाओं के फॉर्म निःशुल्क किए जाएं। परीक्षा देने के लिए युवाओं को फ्री बस और ट्रेन मुहैया कराई जाए। प्रियंका के अलावा उनके भाई और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पेपर लीक के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया एक्स के जरिए सामने रखी। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक पुलिस भर्ती पेपर लीक को लेकर युवा सड़कों पर है और वहां से मात्र 100 किलोमीटर दूर वाराणसी में प्रधानमंत्री युवाओं के नाम पर युवाओं को ही बरगला रहे हैं। ठेठ बनारसी अंदाज में कहें तो मोदी जी नानी को ननिहाल का हाल सुना रहे हैं। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।